नमस्कार दोस्तों, एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ। आप जानेंगे क्या समस्या थी, कैसे इस समस्या को उन्होंने मात दी और कैसे इसको हराया समस्या को। जी अच्छा। क्या नाम है पेशेंट का? शोएब। शोएब जी कहाँ के रहने वाले? असादपुरा, मुरादाबाद। मुरादाबाद जी। तो ये शोएब आपके कौन है? भाई हमारे। अच्छा, जब आए थे तो शोएब को क्या क्या दिक्कत आ रही थी? सर दिक्कत इसको सूजन आ जाया करती थी और पेट में दर्द, ऐसा सूजन ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मगर दिक्कत थी जो यहाँ आने से जो वो भी नहीं है। क्रिएटिन काफी दिक्कत होती थी। जी जी काफी दिक्कत होती थी। क्रिएटिन बहुत बड़ा हुआ होता था। क्रिएटिन पहले 16 आ रहा था, अब 10 है। उसके बाद में हमने रिपोर्ट करवाई तो 8 है। अब 8 है जी। 16 से 8 हो गया क्रिएटिनिन। जी जी 16 से 8 हो गया क्रिएटिनिन। जी फिजिकली ठीक लग रहा है शरीर को? पहले से बेहतर। क्या क्या फर्क है? फर्क ये सूजन भी थोड़ा हल्का है और वैसे कोई दिक्कत नहीं। जो पहले दिक्कत थी वो भी नहीं। वो भी नहीं पहले से थोड़ा सूजन है बस, बाकी कोई दिक्कत बाकी जी। ठीक है, तो ये है शोएब अली के भाई, शोएब अली के भाईजान जो आए हैं मुरादाबाद से इस समय। और इसका जो क्रिएटिनिन था वो 16 पहुंच गया था और आज ये क्रिएटिनिन घट के 8 हो चुका है। 16 जब था, डायलिसिस सप्ताह में 2 बार करा रहा था और अब जो डायलिसिस कितनी बार हो रहा है? एक बार। अब एक बार, एक बार सप्ताह में एक बार करा जी। पहले सप्ताह में 2 बार डायलिसिस था, सप्ताह में एक बार है। क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था और अब क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ है जी। रिपोर्ट दिखाइए पहले कितना था। 16 वाली रिपोर्ट लाए हो? 16 वाली रिपोर्ट नहीं। अभी कौन सी रिपोर्ट लाए हो? देखो ये दिखाओ पहले, ये इसके अंदर सामने दिखाइए। क्रिएटिनिन आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर इनका जो है वो बढ़ा हुआ है। और ये तीन तारीख को कराई है उन्होंने रिपोर्ट और इसके अंदर जो उनका क्रिएटिनिन है वो 10.09 है। 3 सितंबर की रिपोर्ट है, 10.09 रिपोर्ट क्रिएटिनिन है। यूरिया 174 है, इससे पहले 16 था क्रिएटिनिन जी और अब ये आया है 10। और अब जो रेटेस्ट करा कर वो दिखाओ। और अब इन्होंने कराया है इनमें क्रिएटिनिन 8.7 आ चुका है और यूरिया जो है वो 91 हो चुका है। यूरिया 174 से 91 हो गया है और पहले ये 16 के आसपास था इनका क्रिएटिनिन जी। 16 से 8 भी हुआ क्रिएटिनिन और यूरिया भी रिड्यूस हुआ। तो लक के फॉलो करा इसने शोएब ने, जैसे शोएब को इम्प्रूवमेंट आई है। और भी पेशेंट्स हैं जो इस तरह के हैं, जो घबराए हुए हैं, डायलिसिस करा रहे हैं, जैसे आपका डायलिसिस रिड्यूस हुआ है जी जी। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप किडनी पेशेंट्स के लिए? ये संदेश देना चाहेंगे कि आपसे जुड़े बेहतर रहेंगे और अच्छा रहेंगे, डायलिसिस से बचे। तो ये शोएब है जिसका डायलिसिस सप्ताह में 2 बार हो रहा था, डायलिसिस भी इसका रिड्यूस हुआ और क्रिएटिनिन भी 16 से 8 हुआ। मुरादाबाद जी, मुरादाबाद निवासी शोएब, आज डायलिसिस कम हो गया उसका और उसको डायलिसिस से आने वाले समय में जरूर छुटकारा मिलेगा अगर वो लग के फॉलो करे। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।